डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच के ऊपर यह मेरा तीसरा एपिसोड है। मुझे आशा है कि आपने मेरे पिछले दो एपिसोड्स देख चुके होंगे, और अगर अभी आप मेरे पिछले दो एपिसोड नहीं देखे हैं तो आप जाकर वहाँ पर देख लीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आज हम देखेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस को हम कैसे डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं, और इंपरेटिव सेंटेंस को हम कैसे डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। नमस्कार, मैं भूपेंद्र पांडे अपने YouTube चैनल इंग्लिश बाय भूपेंद्र सर में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो आइए शुरू करते हैं कन्वर्सेशन ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस। रीड द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। पहले हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। इसके पहले मैं आपको बता दूँ कि जो क्वेश्चंस होते हैं दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है WH क्वेश्चंस, जो शुरू होता है हु, विच, व्हाट, हाउ इत्यादि प्रश्नवाचक शब्दों से। दूसरे सेंटेंस होते हैं प्रश्नवाचक शब्द वाक्य ऐसे होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, जैसे इज, एम, आर, वाज, वर्ब इत्यादि हेल्पिंग वर्ब हैं, उनसे चालू होते हैं। उन्हें हम कहते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन या फिर यस नो क्वेश्चन। पहले हम इसको देखते हैं, हेल्पिंग वर्ब वाले क्वेश्चन हम देखते हैं। पहले तो हेल्पिंग वर्ब वाले जब हम क्वेश्चन देखते हैं अमित सेड टू मी आर यू गोइंग टू दिल्ली टुमारो, अमित सेड टू मी आर यू गोइंग टू दिल्ली टुमारो, अमित आस्क्ड मी, सेड टू की जगह में क्या होंगे आस्क्ड मी, वेदर आर इट। ये जो हेल्पिंग वर्ब से चालू हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पर आर, क्योंकि यह सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है। और जब कोई सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है तब हम जब उसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो इफ या वेदर का प्रयोग करना होता है। वेदर आर इफ आई वाज, है ना, आर यू की जगह में हो गया आई वाज, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या बन जाता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। आई वाज गोइंग टू दिल्ली द नेक्स्ट डे, टुमारो की जगह में हो गया है द नेक्स्ट डे। और ये प्रोनाउन कैसे चेंज होते हैं मैं पिछले एपिसोड में बता चुका हूँ आपको, ये जो अंदर का जो प्रोनाउन है कैसे चेंज होता है। यदि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो वह रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है, सेकंड पर्सन जो है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है, और थर्ड पर्सन जो है इसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं। इसके लिए आप मेरे पिछले दो वीडियोज़ देखेंगे तब आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा। जैसे यह सेकेंड पर्सन है तो यह रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज हो रहा है ना, ये तो इसीलिए यहाँ पे आई हो गया, यू क्या हो गया आई हो गया। आई सेड टू प्रदीप विल यू लैंड मी योर बुक, आई इंक्वायर्ड ऑफ, यहाँ ऊपर आज जो था यहाँ पे इंक्वायर्ड ऑफ भी लिख सकते हैं, आई इंक्वायर्ड ऑफ प्रदीप इफ ही वुड, विल की जगह में क्या हो गया वुड हो गया, इफ ही वुड लैंड मी हीज बुक, योर बुक का क्या हो गया हीज बुक हो गया। थर्ड एग्जाम्पल हम देखते हैं द टीचर सेड टू मी Have you solved the sum? ये भी helping verb से शुरू हो रहा है, ये भी helping verb से शुरू हुआ था। तो पहले हम देख रहे हैं helping verb वाले sentences, helping verb वाले interrogative sentences हम देख रहे हैं। इसको हम short answer type question भी कहते हैं या फिर yes no question भी कहते हैं। तो the teacher said to me, have you solved the sum? इसको जब हमने indirect में change किया तब यह हो जाता है the teacher asked me whether I had solved the sum, है ना, you के जगह में I क्यों हो गया, क्योंकि ये reporting verb के object me है, me के हिसाब से I हो गया। The teacher asked me whether I had solved the sum, ये हो गया present perfect tense में, ये वाला हिस्सा किस में है present perfect tense में, और ये क्या हो गया past perfect tense हो गया। इन सब चीज़ों को समझने के लिए आपको मेरे पिछले दो episodes देखेंगे तभी आप समझ पाएंगे, क्योंकि यह आगे का episode है। द टीचर आस्क्ड मी वेदर आई हैड सॉल्व द सम, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं द टीचर आस्क्ड मी इफ आई हैड सॉल्व द सम। तो आप समझ गए होंगे कि जब जो डबल इनवर्टेड कॉमा के अंदर में जो सेंटेंस है यदि वह हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, इज, एम, आर, हैज, हैव, हैड इत्यादि हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, तब हम जब उसको
डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तब हमको कंजंक्शन इफ या वेदर का प्रयोग करना होता है। दूसरा एक और एग्जांपल देते हैं, कीर्ति आज द चाइल्ड। अब यह डब्ल्यू एच क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन क्या है? डब्ल्यू एच क्वेश्चन। कीर्ति आज द चाइल्ड व्हाट आर यू डूइंग। कीर्ति आज द चाइल्ड व्हाट ही वॉज डूइंग, है ना, बच्चे के लिए यहां पे ही आ गया है। व्हाट ही वॉज डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, एंड व्हाट ही वॉज डूइंग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो व्हाट हो गया, व्हाट 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 यहां आ गया, यहां इफ वेदर नहीं लगेगा। डब्ल्यू एच क्वेश्चन वाले सेंटेंस में इफ या वेदर कंजंक्शन का प्रयोग नहीं किया जाएगा, एग्जैक्ट टू सी वर्ड का प्रयोग किया जाएगा। व्हाट ही वॉज डूइंग, है ना, व्हाट ही वॉज डूइंग, या क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, क्वेश्चन मार्क हट जाता है। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल सेड टू द स्टूडेंट्स व्हाई आर यू मेकिंग अ नॉइज, व्हाई, ये भी डब्ल्यू एच क्वेश्चन है, व्हाई, व्हाई आर यू मेकिंग अ नॉइज, तो इनडायरेक्ट सेंटेंस हो गया। द प्रिंसिपल इंक्वायर्ड ऑफ, इंक्वायर्ड ऑफ द प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल इंक्वायर्ड ऑफ द स्टूडेंट्स व्हाई दे वर मेकिंग अ नॉइज, व्हाई दे वर आया ना, वर्ड दे नहीं लिखना है आपको, वर्ड दे अगर लिख देंगे तो वह गलत हो जाएगा, फिर से क्वेश्चन बन जाएगा, तो आपको लिखना है दे वर मेकिंग अ नॉइज। द प्रिंसिपल इंक्वायर्ड ऑफ द स्टूडेंट्स व्हाई दे वर मेकिंग अ नॉइज। थर्ड, द टीचर सेड टू मी हाउ ओल्ड आर यू, यहाँ क्वेश्चन मार्क छूट गया, क्वेश्चन मार्क अभी रहेगा। हाउ द टीचर सेड टू मी हाउ ओल्ड आर यू, द टीचर आस्क्ड मी, द टीचर आस्क्ड मी हाउ ओल्ड आई वाज, वाज आ नहीं आएगा, आएगा आई वाज। तो आप समझ गए होंगे जब डब्ल्यू एच क्वेश्चन में हम किसी सेंटेंस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तब उस डब्ल्यू एच वाले वर्ड को हु, विच, व्हाट, वेयर, उसको हमको इसमें लेना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर इफ या वेदर कंजंक्शन का प्रयोग नहीं होता है। तो इन एग्जांपल्स के अनुसार ही आपको करते चले जाना है। तो अब हम रूल्स देखते हैं, रूल्स फॉर चेंजिंग अस एन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस फ्रॉम डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। द रिपोर्टिंग वर्ब इज चेंज टू आस्क, इंक्वायर, डिमांड, वांट टू नो एटसेट्रा। जो रिपोर्टिंग वर्ब है सेट टू है वो किसमें चेंज हो जाता है? आस्क, इंक्वायर, डिमांड, वांट टू नो एटसेट्रा में। दूसरा, इफ आर वेदर इज यूज्ड आफ्टर द रिपोर्टिंग वर्ब व्हेन द क्वेश्चन बिगिंस विद अ हेल्पिंग वर्ब। जब हमारा क्वेश्चन डबल इनवर्टेड कॉमा के अंदर में जो हमारा क्वेश्चन है यदि वह हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है तब हम जब उसको डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तो इफ या वेदर कंजंक्शंस का प्रयोग करना होता है, लेकिन डब्ल्यू एच क्वेश्चन में डब्ल्यू एच वर्ड का ही प्रयोग करना होता है। थर्ड, इफ द क्वेश्चन बिगिंस विद द क्वेश्चन वर्ड, जो मैं बता चुका हूँ क्वेश्चन वर्ड हु, व्हाट, विच, व्हाई, हाउ, डब्ल्यू एच वर्ड, जब आपका क्वेश्चन डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू होता है तो नो कंजंक्शन इज यूज, मतलब इफ या वेदर का प्रयोग यहां पर नहीं करना है। टू कनेक्ट द रिपोर्टेड स्पीच विद द प्रिंसिपल क्लास, मतलब आपको यह समझना है कि डब्ल्यू एच वाले क्वेश्चन में आपको सीधा डब्ल्यू एच को ही ले लेना है, यहां पर इफ या वेदर का प्रयोग नहीं होगा। चौथा, द क्वेश्चन फॉर्म इज चेंज इन टू असर्टिव फॉर्म एंड द क्वेश्चन मार्क इज रिमूव्ड। क्वेश्चन मार्क को हटा देना है और जो हमारा सेंटेंस है वह सिंपल असर्टिव सेंटेंस बन जाता है। जैसे जो क्वेश्चन वाला जो सेंटेंस, हमको फिर से दोबारा क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना है, व्हाट इज योर नेम, ऐसा नहीं बोलना है, है ना, व्हाट माई नेम वॉज, इस टाइप का बनेगा। तो आप समझ गए होंगे इसको। अब हम देखते हैं कन्वर्सेशन ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंस, आज्ञा सूचक वाक, जिसमें कोई हम आज्ञा देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, ये सब बातें। रिक्वेस्ट भी इसी के अंतर्गत आएगा, आदेश, कमांड, एंट्रीटी, ये सारे सेंटेंस इसी में आएंगे। डायरेक्ट, द बेगर सेड टू अनुराग प्लीज गिव मी सम मनी। प्लीज बोला है मतलब यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ये हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस देख रहे हैं, आज्ञा सूचक वाक्य देख रहे हैं, या दूसरा प्रकार है। इसके पहले हमने देखा है इंटरोगेटिव सेंटेंस, इसके बाद हम देख रहे हैं कन्वर्सेशन ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंस। ये मैं आप लोगों के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का प्रयास जरूर कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप किसी न किसी बुक को रिफर जरूर करें, उन किताबों में आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी देखने को मिलेंगे और बहुत सारे मतलब नियम को समझ पाएंगे आप। इसको देखने के बाद जब आप किताब को पढ़ेंगे तो बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे, किताब तो आपको पढ़ना ही है,
इसके बाद में मैं बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी कराने का प्रयास करूंगा। लेकिन आप सबसे मेरी गुजारिश है कि यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैंने देखा है कि आप लोग यहाँ पर देख कर तो चले जाते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो मुझे बहुत खुशी होगी यदि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। द बेगर सेड टू अनुराग, प्लीज गिव मी सम मनी। इनडायरेक्ट, द बेगर रिक्वेस्टेड, प्लीज बोला है मतलब रिक्वेस्ट किया है। द बेगर रिक्वेस्टेड अनुराग टू गिव हिम सम मनी। द फादर आस्क्ड हिज सन वर्क हार्ड, है ना, पिता अपने बच्चे कह रहे हैं वर्क हार्ड। इनडायरेक्ट स्पीच में, द फादर एडवाइज हिज सन टू वर्क हार्ड। अजय सेड टू द सर्वेंट, ब्रिंग सम फ्रूट फ्रॉम द मार्केट। फ्रॉम द मार्केट है ये। अजय सेड टू द सर्वेंट, ब्रिंग सम फ्रूट फ्रॉम द मार्केट। अजय ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट टू ब्रिंग सम फ्रूट फ्रॉम द मार्केट, है ना। तो देखिए यहाँ पे ऑर्डर दे रहा है वो, तो ऑर्डर्ड आ गया। यहाँ पे एडवाइस दे रहा है तो एडवाइस हो गया, यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहा है तो रिक्वेस्ट हो गया। तो इस टाइप के एक्सप्रेशन आपको आएंगे, आपको पढ़ के समझना होगा कि यह रिक्वेस्ट है कि एडवाइस है कि ऑर्डर है इंपेरेटिव सेंटेंसेस में। ये देखिए डायरेक्ट में, द कैप्टन सेड टू हिज मैन स्टैंड एट ईज। द कैप्टन ऑर्डर्ड हिज मैन टू स्टैंड एट ईज। ऑर्डर दे रहा है डायरेक्ट। द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट डू नॉट स्मोक। द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट नॉट टू स्मोक। या फिर हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, द डॉक्टर फॉरबेड द पेशेंट टू स्मोक। इसको हम दो प्रकार से बोल सकते हैं, द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट नॉट टू स्मोक या द डॉक्टर फॉरबेड द पेशेंट टू स्मोक। अमित सेड टू मी, प्लीज ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। अमित रिक्वेस्टेड मी टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। तो यहां हम देख सकते हैं कि वाक्य का भाव जिस प्रकार है वह हमको समझना है, कि वह रिक्वेस्ट है कि ऑर्डर है कि कमांड है कि एंटिटी है कि एडवाइस है, उसके आधार पर हमको यहाँ पर वर्ब का प्रयोग करना है। रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पर हमको वर्ब का प्रयोग इस प्रकार करना है। तो रूल्स फॉर चेंजिंग एन इम्परेटिव सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, द रिपोर्टिंग वर्ब इज चेंज टू रिक्वेस्ट, ऑर्डर, कमांड, एडवाइस, एंटिटी, थ्रेटन एटसेट्रा। एंट्रीट मतलब होता है रिक्वेस्ट करना, अनुनय विनय करना। थ्रेटन मतलब होता है धमकी देना। नेक्स्ट, ये पहला रूल हो गया। दूसरा रूल है, द वर्ब इन द रिपोर्टेड स्पीच इज पुट इन द इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव मतलब क्या होता है, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को इन्फिनिटिव कहते हैं, टू ब्रिंग, टू ग्रो, टू गो, टू रिक्वेस्ट, लाइक दैट। इन्फिनिटिव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज कॉल्ड इन्फिनिटिव, एग्जाम्पल टू ब्रिंग, टू गो एटसेट्रा। इस तरह हमने देखा इम्पेरेटिव सेंटेंस में किसी सेंटेंस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करते हैं। तो यह पहला प्रकार है, देख लिया हमने। अब दूसरा देखते हैं कि यदि कोई सेंटेंस लेट से शुरू होता है, डबल इंटेड कॉमास के अंदर जो सेंटेंस है वह लेट से शुरू होता है, तब हम उसको कैसे चेंज करते हैं। तो यूज ऑफ लेट इन इम्पेरेटिव सेंटेंस, तो लेट का प्रयोग कब होता है, टू मेक प्रपोजल आर गिव सजेशन। मतलब डबल इनवर्टेड कॉमा के अंदर में जो सेंटेंस है वह किस लिए प्रयुक्त होगा लेट के रूप में, प्रपोज करने के लिए, कि कोई प्रस्ताव रखने के लिए, कोई सलाह देने के लिए, सजेशन। टू अलाउ आर पर्सुएड, पर्सुएड मतलब क्या होता है, किसी को मनाना किसी काम करने के लिए या फिर अनुमति देना, पर्सुएड। टू एक्सप्रेस कंसेशन आर कॉन्ट्रास्ट, कंसेशन मतलब क्या होता है, छूट या फिर अनुमति, स्वीकृति या फिर अनुमति। और कॉन्ट्रास्ट मतलब होता है विरोधाभास, दो बातों में जो विरोध होता है उसको बोलते हैं कॉन्ट्रास्ट। तो रूल वन, व्हेन लेट एक्सप्रेसेस है ना, एक्सप्रेसेस अ प्रपोजल आर अ सजेशन। यदि लेट कोई प्रपोजल प्रस्ताव रखता है, यदि लेट यह बताता है कोई प्रस्ताव रखा जा रहा है या फिर कोई सुझाव दिया जा रहा है, द रिपोर्टिंग वर्ब इज चेंज टू प्रपोज आर सजेस्ट। तब रिपोर्टिंग वर्ब सेट टू जो होता है या फिर जो भी रिपोर्टिंग वर्ब हो वो प्रपोज या सजेस्ट में चेंज हो जाता है।
एंड लेट इज रिप्लेस्ड बाय शुड, और लेट की जगह में हमको क्या प्रयोग करना होता है, शुड। एग्जाम्पल से आप ज्यादा बेहतर समझेंगे। देखिए, आई सेड टू हिम लेट्स प्ले, आई प्रपोज आर सजेस्टेड, चलो खेलें करके वो प्रस्ताव रख रहा है या फिर सुझाव दे रहा है कि चलो खेलते हैं। आई प्रपोज आर आई सजेस्टेड टू हिम दैट वी शुड प्ले। देखिए लेट की जगह में क्या हो गया, शुड आ गया। आई प्रपोज आर सजेस्टेड, ये सेड टू है रिपोर्टिंग वर्ब, ये प्रपोज आर सजेस्टेड में चेंज हो गया है। तो आई प्रपोज और सजेस्टेड टू हिम दैट वी शुड प्ले। दूसरा रूल देखते हैं, वे लेट मीन्स टू अलाउ आ परसुएड, परसुएड मतलब क्या होता है, किसी को मनाना, कोई काम करने के लिए किसी को मनाते हैं ना कि ये काम कर दीजिए प्लीज, तो इसको बोलते हैं परसुएड। वे लेट मीन्स टू अलाउ, अलाउ मतलब अनुमति देना, आर टू परसुएड, इट इज चेंज टू द इन्फिनिटिव टू लेट। जब लेट का तात्पर्य किसी को अनुमति देना होता है या फिर किसी को मनाना होता है, तब वह टू लेट में चेंज हो जाता है, या फिर यह फ्रेज रखना पड़ता है इसकी जगह में, माइट बी अलाउड टू, इसको याद रख लीजिए, माइट बी अलाउड टू। देखते हैं एग्जाम्पल, आई सेड टू हिम लेट मी हैव माई ओन वे इन दिस मैटर, यह सेंटेंस लेट से शुरू हो रहा है, यह रिक्वेस्ट कर रहा है उसे, आई रिक्वेस्टेड हिम टू लेट मी हैव माई ओन वे इन दि इन दैट मैटर, दिस मैटर का हो गया दैट मैटर, या फिर आई रिक्वेस्टेड हिम दैट आई माइट बी अलाउड टू हैव माई ओन वे इन दैट मैटर, आई माइट बी अलाउड, आई रिक्वेस्टेड हिम दैट आई माइट बी अलाउड टू हैव माई ओन वे इन दैट मैटर। बार बार आप इसको पढ़ेंगे और कई किताबों में एग्जाम्पल्स देखेंगे, बहुत आसानी से समझ पाएंगे, ऐसा कोई कठिनाई वाली बात इसमें नहीं है। रूल थ्री, वे लेट एक्सप्रेसेस कंसेशन, कंसेशन मतलब होता है छूट या फिर स्वीकृति, और कंट्रास्ट मतलब होता है विरोधाभास। जब लेट यह बताता है कि कोई छूट दी जा रही है, स्वीकृति दी जा रही है, अनुमति दी जा रही है, या फिर विरोधाभास व्यक्त किया जा रहा है, तब वह किसमें चेंज हो जाता है, माइट में, लेट की जगह में हमको लिखना होता है माइट। धीरज सेड लेट हिम ट्राई एवर सो हार्ड ही विल नॉट सक्सीड, तो धीरज सेड दैट ही वुड नॉट सक्सीड however hard he might try, तो धीरज said that he would not succeed however hard he might try। तो आज हमने देखा कि जब कोई सेंटेंस इंटरागेटिव सेंटेंस है, तब हम उसको डायरेक्ट स्पीच इंडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करेंगे, और यदि कोई सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस है, तब वह डायरेक्ट स्पीच से इंडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज होगा। ऐसे ही इस पर अभी और एपिसोड आएंगे, आप इसको कंटिन्यू देखते रहें। साथ ही आपसे मेरा विनम्र अनुरोध है कि आप अपने कमेंट्स भी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को मेरे एपिसोड पसंद आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, और आप किस सब्जेक्ट पर नए वीडियोस चाहते हैं। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।